धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, जगदीश प्रसाद इंसान शाहजहांपुर से। गुरु जी, किसी के पूर्वज अच्छे कर्म करते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी सुखी रहती है और बुरे कर्म करने पर दुखी रहती है। शास्त्रों में लिखा है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा, तो पूर्वजों के किए हुए कर्मों का फल आने वाली पीढ़ी क्यों भोगती है जी? आपके पूर्वज करोड़ों रुपए कमा के जाए, आप प्रयोग में लाते हो कि नहीं लाओगे? ना क्यों, वो तो हमारी जद्दी जायदाद है। तो फिर कर्म आपके जद्दी जायदाद नहीं है? कमाल है यार, अच्छी अच्छी चीज तो आप पूर्वजों की ले लो, और अगर उनकी थोड़ी सी गलत चीज है वो आप नहीं लोगे, कैसी दोगली नीति है। पूर्वजों के कर्म भोगने उनको ही पड़ते हैं, पर जो वो जहर लाके आपको खिलाते हैं उनका फल आपको भी भोगना पड़ता है। ये वजह है और कोई वजह नहीं।